सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सबसे पहले मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस तरह से मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज आप देख सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी नवरात्रि। इस नवमी कुछ अलग हटके करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग को दिखाना। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 किलो बॉयल आलू ले लिया है, और यहाँ पे मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर लिया है, हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च ली है। यहाँ पे मैंने मटर हरी ली है, काला चना लिया है, धनिया की पत्ती ली है, और यहाँ पे मैंने आटे का डो लगा के रख लिया है। तो काफ़ी सारा आटा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल और अजवाइन डाल करके इसे अच्छे से डो लगा के रख लिया है, एकदम सख्त रोटियाँ या पूड़ी जैसे बनाने के लिए, जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से सख्त आटा बना के यहाँ पर रख दिया। इसे ढक के रख देती हूँ, सेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो आलू बॉयल करके लिया था उसको मैंने छील करके कट कर लिया, और टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का यहाँ पे पेस्ट बन गया है। अदरक मैंने ऊपर से ग्रेट कर दिया था। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके सरसों का तेल डाला था, तेल मेरा हीट हो गया, तो मैंने उसमें जीरा और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाली, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसमें इसका पेस्ट जो बनाया था टमाटर वाला, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अदरक मैंने ग्रेट करके डाली, आप चाहें तो पीस भी सकते हैं, ग्रेट करने वाला इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से इसे पकाएंगे। यहाँ पे मैं लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी आज, क्योंकि आज नवमी है, नवमी स्पेशली मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ कि इस नवमी हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मसाले ऐड कर दिए हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच एवरेस्ट का सब्जी मसाला, और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ज़्यादा तीखी नहीं बनानी है इसे, क्योंकि ये मैं कन्याओं के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया, नमक मैंने इसके टेस्ट अकॉर्डिंग ही डाला है, क्योंकि सब्जियाँ थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए नमक भी मैंने 2 चम्मच भर के डाल दिया है। तो इसे अच्छे से पक चुका था, पानी डाल देती हूँ अच्छे से मेरा मसाला पक जाए, ताकि आज के खाना में जैसे कि नवमी को हम कन्या खिलाते हैं उस पर बनाते हैं, उसी पर पे मैं ये भी बना रही हूँ, तभी आप लोग को बताऊँगी कि मैं किस लिए बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पे मैंने मटर को डाल दिया था, मटर मेरी अच्छे से पक चुकी है, तो क्योंकि मटर थोड़ी कच्ची थी। और यहाँ पे मैंने बॉयल काला चना लिया था। आज के दिन चना और मटर दोनों बहुत ही शुभ होता है सब्जियों में डालना, कहते हैं देवी माँ को बहुत ही पसंद होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सूख करने के लिए यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर कट करके जो आलू रखी थी वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, बाकी की और सारी रेसिपी मैं आप लोग को दिखाऊंगी ज़रूर कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है, क्योंकि मेरी आलू भी पकी थी और मसाले भी पक चुके थे, तो ऊपर से मैंने धनिया की पत्ती डाल करके और इसे ढक दिया, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ जाए धनिया की पत्ती का। तो यहाँ पे मैंने जो डो लगाया था वो अच्छे से सेट हो गया था, तो हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा के इसे अच्छे से मसल लिया था। तो अब मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने लंबे लंबे 3 बना के रख लिए हैं। अब इसमें इसके जो पेड़े होते हैं वो मैं हाथ से नहीं बनाऊँगी, इस तरह से कट कर दूँगी, ताकि जल्दी से मेरे सारे पेड़े बन के रेडी हो जाएँ पूड़ियों के, क्योंकि ज़्यादा पूड़ी बनानी है तो बहुत टाइम लगेगा, तो एक एक करके बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं कट करके यहाँ पे एक साथ इतने सारी पेड़े तैयार हो गए हैं, तो इससे मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से पूड़ियाँ बेल लूँगी। बेलने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने रखा है कढ़ाई, कढ़ाई मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल, ऑयल मेरा हीट हो गया था, मैं इसमें पूड़ियाँ तल लेती हूँ। तो जैसे कि इस बार हम कन्या घर पे नहीं खिला सकते हैं, 9 दिन के नवरात्र पे उसके बाद हम लोग कन्या खिलाते हैं, तो इस बार कन्या घर पे नहीं खिला सकते, तो उसके लिए हम कुछ अलग तो कर ही सकते हैं। तो उसी पर्पज़ से मैं आज ये वीडियो आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी देख लीजिए इस तरह से। तो मैंने यह देखिए पूड़ियाँ फूल के अच्छे से निकल चुकी हैं, अब मैं दूसरे बार फिर से डालती हूँ। तो यहाँ मैं 3 से 4 पूड़ियाँ एक साथ तलती हूँ, पहली बार था इसलिए मैंने चेक करने के लिए 1 पूड़ियाँ डाली थी। तो आज मैं कन्या को कुछ अलग हटके करूंगी, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं अपने वीडियो में क्या करने वाली हूँ। आप लोग भी इसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कन्या मिलती भी नहीं है, घर नहीं आने वाली होती हैं, किसी किसी को ये प्रॉब्लम आती है, तो अगर आए तो ऐसे कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम घर में कन्या बुला ही नहीं सकते हैं,
तो इसलिए जो है हम इस तरह से ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सारी पूड़ियाँ जो हैं इसी तरह से बना लूँगी। मैंने बहुत सारी रेसिपीज बनाई हैं, जो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है तब भी, हाँ क्योंकि आज तो सबका फास्ट भी है, अष्टमी नवमी दोनों एक ही दिन पड़ जा रहा है, तो बच्चे का व्रत नहीं है, बाकी बड़े लोग सब व्रत हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने काले चने का छोले बना के रख लिया है, और यहाँ पे मैंने जो आप लोग के साथ सब्जियाँ शेयर की थी वो सब्जी मैं ये बना के रखी हूँ। यहाँ पे मैंने कद्दू की भी सब्ज़ी बनाई है, कहते हैं आज के दिन कद्दू की सब्ज़ी भी बननी शुभ होती है, तो मैंने यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बना ली है। और यहाँ पे मैंने हलवा बनाया, जैसे देवी माँ को चढ़ने के लिए पूड़ी हलवा चढ़ता है, तो इसलिए प्रसाद के रूप में मैं देवी माँ को भी इसको देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ सामान मैंने पैकिंग के लिए रख लिए हैं, तो अब चलते हैं इसको पैक करने के लिए, क्योंकि देवी माँ को हम घर में नहीं बुला सकते पर हम बाहर ज़रूर खिला सकते हैं, तो इस तरह से हम पैक करके बाहर दे सकते हैं। अभी तो इस बार जैसे नहीं हो रहा, जब भी आपको इस तरह से प्रॉब्लम आए कि कोई नहीं आ रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आप इस तरह से पैकिंग करके बाहर दे सकते हैं नवरात्रि में, क्योंकि कन्या खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े प्रसाद भी दे दिए हैं, जो देवी माँ के प्रसाद चढ़ते हैं हलवा पूड़ी, तो उसमें से मैंने हलवा और ये बतासा, जैसे देवी माँ को बहुत ही पसंद होता है, तो बतासे भी मैंने यहाँ पे दो रख दिए हैं, दो दो करके थोड़े थोड़े प्रसाद के रूप में मैंने यहाँ पे ये भी रख दिया। और सब्जियाँ भी मैंने इस तरह से कटोरी में रख दी है। यहाँ पे मैंने फॉइल लिया है, इसमें जो है पूड़ियाँ पैक कर दूँगी। तो जो भी थोड़े बहुत देवी माँ की कृपा से बन पा रहा है वो मैं ज़रूर यहाँ पर कर दे रही हूँ। और मैं इसलिए इस वीडियो को शेयर की हूँ कि आप लोग भी, अगर आपके पास अगल बगल कहीं कन्या ना मिल रही हो, तो आप दूर जाके इस तरह से दे सकते हैं, खिला सकते हैं। तो ये देखिए मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, तो मैं इसे एक थैले में पैक कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने बैग को तैयार कर दिया है, तो अब इसे दे आएंगे बाहर कन्याओं को। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो पर आते रहिए, और मैं इस तरह से नई नई रेसिपी लेती आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।